हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिविकास बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एवरेज सेल साइकिल स्पैन फॉर अ मेमेलियन सेल, यानी मेमेलियन सेल में एक सेल साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। सो आंसर इज 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश साइटोकाइनेसिस फ्रॉम कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ सेल्स साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। एंड कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी सेल्स के न्यूक्लियस का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। साइटोकाइनेसिस में कोई भी फेसेस नहीं होते हैं, देयर इज नो फेस लाइक प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस इन केस ऑफ साइटोकाइनेसिस। वाइल कैरियोकाइनेसिस इज डिवाइडेड इंटू 4 फेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेस। हमें इंटरफेस डिस्क्राइब करना है। इंटरफेस इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ चेंजेस दैट प्रिपेयर अ सेल फॉर डिवीजन। इंटरफेस में सेल अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। इंटरफेस इज डिवाइडेड इंटू 3 फेसेस, जीवन फेस, एस फेस, G2 फेस। जीवन फेस क्या है? इट इज़ द स्टेज ड्यूरिंग विच द सेल ग्रोज एंड प्रिपेयर इट्स DNA फॉर रेप्लिकेशन। जीवन फेस में DNA रेप्लिकेशन के लिए सेल ग्रो करती है और अपने आप को प्रिपेयर करती है। जीवन फेस में सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। एस फेस, इन दिस फेस DNA सिंथेसिस अकर्स, द अमाउंट ऑफ DNA डबल्स बट द क्रोमोजोम नंबर रिमेन सेम। एस फेस में क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ DNA का सिंथेसिस होता है, क्रोमोजोम नंबर सेम रहते हैं। G2 फेस, इन दिस फेस सेल कंटिन्यूज टू ग्रो एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर डिवीजन। द प्रोटीन्स एंड RNA रिक्वायर फॉर द माइटोसिस आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज। G2 फेस में सेल कंटिन्यू ग्रो होती रहती है और अपने आप को सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करती है। G2 फेस में जितने भी प्रोटीन और RNA की रिक्वायरमेंट होती है माइटोसिस के लिए, उन सभी की सिंथेसिस G2 फेस में ही होता है। द प्रोटीन्स एंड RNA रिक्वायर फॉर द माइटोसिस, यानी जो प्रोटीन और RNA माइटोसिस के लिए रिक्वायर होते हैं वो इसी फेज में प्रिपेयर होते हैं, उनका सिंथेसिस इसी फेज में होता है। व्हाट इज जीनोट और क्वेश्चन फेज ऑफ सेल साइकिल। जीनोट और क्वेश्चन फेज इज द स्टेज वेयर सेल्स रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट अनलेस कॉल टू डू सो। जीनोट एक फेज है जब सेल मल्टीप्लाई नहीं करती, प्रोलिफरेट नहीं करती, बट वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। वो तब तक प्रोलिफरेट नहीं करती है जब तक उसे कहा ना जाए। अब कहा ना जाए ऐसा करने के लिए मीन्स जब तक कोई केमिकल अप्लाई ना किया जाए सेल के अंदर। सच सेल्स आर यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग द सेल लॉस्ट ड्यूरिंग इंजरी। ऐसी सेल्स कैसे, कहाँ यूज होती हैं? जब कोई सेल इंजरी हो जाए और वहाँ के सेल्स को रिप्लेस करना हो। वाई इज माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन वेयर द क्रोमोजोम रेप्लिकेट। माइटोसिस क्या है? एक प्रोसेस है सेल डिवीजन का जिसमें क्या होता है, क्रोमोजोम रेप्लिकेट एंड गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और क्रोमोजोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं 2 डॉटर सेल्स में। द क्रोमोजोम नंबर इन ईच डॉटर सेल इज इक्वल टू दैट इन द पेरेंट सेल। डॉटर सेल में और पेरेंट सेल में क्रोमोजोम नंबर सेम होते हैं, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, दैट इज डिप्लॉयड। हेंस माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, यानी मदर सेल और डॉटर सेल दोनों ही डिप्लॉयड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द स्टेज ऑफ सेल साइकिल एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर। क्रोमोजोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेशन। स्पिंडल इक्वेशन पर कौन से स्टेज पर आते हैं क्रोमोजोम? मेटाफेस। मेटाफेस की पहचान ही यही है कि वो इक्वेटर पे आकर के अरेंज हो जाते हैं।
सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड सेपरेट. सेंट्रोमेयर कब स्प्लिट होते हैं? एनाफेज में. पेयरिंग टेक्स प्लेस इन जाइगोटिन ऑफ मियोसिस वन, क्रॉसिंग ओवर इन पेकाइटिन ऑफ मियोसिस वन. क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द फॉलोइंग, ड्रॉ अ डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर. हमें डिस्क्राइब भी करना है विद डायग्राम. साइनेप्सिस, साइनेप्सिस क्या है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस. जब होमोलोगस क्रोमोजोम पेयरिंग बनाते हैं उसे साइनेप्सिस कहते हैं. पेयरिंग कहाँ पे होती है? जाइगोटिन फेज ऑफ मियोसिस वन. जाइगोटिन किसका फेज है? प्रोफेज वन का. ये क्रोमोजोम है, होमोलोगस क्रोमोजोम ने पेयरिंग बना ली. नेक्स्ट इज बाइवेलेंट. बाइवेलेंट और टेट्राड इज अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस. ऊपर क्या था? होमोलोगस क्रोमोजोम ने पेयरिंग बनाया और ये साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोजोम बन गए. अब जब ये दोनों क्रोमोजोम आपस में पेयरिंग बनाएंगे देन दे फॉर्म बाइवेलेंट. यानी बाइवेलेंट और टेट्राड इज अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोजोम. पहले ये आपस में मिलकर इन्होंने ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोजोम. आपस में मिलकर इन्होंने बना दिया साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोजोम. जब ये क्रोमोजोम आपस में मिलेंगे, इधर ये वाले क्रोमोजोम यहाँ ड्रॉ कर रखा है, ये जब आपस में पेयर करेंगे तो ये बनाएंगे बाइवेलेंट और टेट्राड. बाइवेलेंट क्यों कहेंगे? बाई मीन्स टू, यानी दो क्रोमोजोम है, दो होमोलोगस क्रोमोजोम है. टेट्राड मीन्स चार, यानी चार क्या है? क्रोमेटिड्स हैं. 1, 2, 3, 4, ठीक है. दे आर फाउंड इन जाइगोटिन, स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस. नेक्स्ट है काइजमाटा. काइजमाटा इज द साइट वेयर टू, काइजमाटा क्या है? एक साइट है वेयर टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम हैव क्रॉस्ड ओवर. क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ही होती है. तो ये एक साइट है जहाँ पे होमोलोगस क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या करते हैं? क्रॉसिंग ओवर करते हैं. इट रिप्रेजेंट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर. इट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द डिप्लोटीन. काइजमा फॉर्मेशन कब होता है? डिप्लोटीन में. डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल सेल. हमें ये बताना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के साइटोकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है. जब प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होती है तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन. यानी प्लांट सेल में किसका फॉर्मेशन होगा? सेल प्लेट का. वाइल डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस बाय क्लीवेज. और एनिमल सेल में क्या होगा? क्लीवेज के थ्रू होगा. सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट्स एट द सेंटर ऑफ द सेल. सेल प्लेट कहाँ पे बनेगी? प्लांट सेल के सेंटर पे. एंड ग्रोज आउटवर्ड टूवर्ड्स द लेटरल वॉल्स. यानी वो बाहर प्लाज्मा की तरफ ग्रो करने लगेगी. एनिमल सेल में, सॉरी प्लांट सेल में, यहाँ सेल प्लेट बनेगी और वो इस तरीके से ग्रो होकर के साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगी. वाइल्ड क्लीवेज स्टार्ट्स एट द पेरीफेरी एंड देन मूव्स इनवर्ड डिवाइडिंग द सेल इंटू टू पार्ट्स. ये एनिमल सेल है, यहाँ पेरिफेरी पर क्लीवेज बना और ये अंदर की तरफ मूव करने स्टार्ट हुआ और इन्होंने ऐसे फिर सेल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एग्जाम्पल वेयर द फोर डॉटर सेल्स फ्रॉम मियोसिस आर इक्वल इन साइज एंड वेयर दे आर फाउंड अनइक्वल इन साइज. हमें एग्जाम्पल बताना है जहाँ पे फोर डॉटर सेल्स क्या हैं मियोसिस में, एक बार तो इक्वल है साइज में और एक बार अनइक्वल है साइज में. हमें पता है ना कि मियोसिस क्या है? एक सेक्सुअल साइकिल है. मियोसिस के बाद जो डॉटर सेल्स बनते हैं या तो वो इमीडिएटली स्पर्म सेल बन जाते हैं या तो वो एग सेल बनाते हैं. तो सबसे पहले है स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन बींग्स अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर इक्वल साइज डॉटर सेल्स. स्पर्मेटोजेनेसिस में जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो चारों इक्वल साइज की होती हैं. ओजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम.
इन ह्यूमन फीमेल अकर बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फोर डॉटर सेल विच आर अनइक्वल इन साइज. यानी ओजेनेसिस में जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो अनइक्वल होती हैं साइज में, और स्पर्मेटोजेनेसिस में वो चारों सेल्स क्या होती हैं, सेम होती हैं साइज में. क्वेश्चन नंबर 10, डिस्टिंग्विश एनाफेज ऑफ माइटोसिस फ्रॉम एनाफेज वन ऑफ मियोसिस. हमें एनाफेज में डिफरेंस करना है माइटोसिस के और एनाफेज वन को करना है एनाफेज ऑफ माइटोसिस से. सो माइटोसिस के केस में एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज इज द स्टेज ड्यूरिंग विच द सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स एंड द क्रोमेटिड सेपरेट. सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स हो जाते हैं, क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, द क्रोमोसोम मूव्स टूवर्ड्स द अपोजिट पोल. क्रोमोसोम नहीं, क्रोमेटिड्स, क्योंकि क्रोमेटिड्स बन गए ना, क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल. ड्यूरिंग एनाफेज वन द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल द क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच एट द सेंट्रोमेयर. क्रोमेटिड्स सेंट्रोमेयर से अटैच रहेंगे, क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स द अपोजिट पोल. एनाफेज माइटोसिस में क्रोमेटिड्स जाएंगे अपोजिट पोल पर, वाइल इन केस ऑफ एनाफेज क्रोमोसोम्स मूव करेंगे अपोजिट पोल पर, क्योंकि एनाफेज वन में सेंट्रोमेयर स्प्लिट्स नहीं होते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट द मेन डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस. सो माइटोसिस में क्या है, सिंगल डिवीजन, मियोसिस में टू सक्सेसिव डिवीजन, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू. इट रिजल्ट टू डॉटर सेल्स, इट रिजल्ट फोर डॉटर सेल्स. माइटोसिस इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन बिकॉज द डॉटर सेल्स हैव द सेम डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल. माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि डॉटर सेल और पेरेंट सेल में दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम होता है. मियोसिस वन को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि इनमें मियोसिस वन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है. मियोसिस टू को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम रहता है लाइक माइटोसिस. प्रोफेज वन इज शॉर्ट एंड डज नॉट कंपेयर एनी फेज, कंप्राइज एनी फेज. माइटोसिस के प्रोफेज छोटा होता है क्योंकि इसमें कोई फेजेस नहीं होते हैं, वाइल प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस इज वेरी लॉन्ग बिकॉज इट कंप्राइजेस फाइव फेजेस लाइक लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस. फोर्थ डिफरेंस, इन माइटोसिस नो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, नो क्रॉसिंग ओवर एंड नो फॉर्मेशन ऑफ काइज्मा, यानी काइज्मा फॉर्मेशन भी नहीं होता ड्यूरिंग प्रोफेज. वाइल इन मियोसिस जाइगोटिन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, पेकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, और डिप्लोटिन में काइज्मा फॉर्मेशन भी होता है. एनाफेज ऑफ माइटोसिस इन्वॉल्व द सेपरेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम. इसमें एनाफेज क्या करता है, माइटोसिस का क्रोमेटिड्स को सेपरेट करता है. वाइल इन मियोसिस एनाफेज वन में क्रोमेटिड्स अटैच रहते हैं और एनाफेज टू में क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर. सिक्स्थ डिफरेंस, माइटोसिस प्ले सिग्निफिकेंस रोल इन द हीलिंग, रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द सेल. माइटोसिस किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, हीलिंग में, रिपेयरिंग ऑफ द सेल एंड ग्रोथ ऑफ द सेल में. वाइल मियोसिस ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन एंड मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, मियोसिस इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल. मियोसिस एक प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, हाफ. इट कंप्राइजेस टू सक्सेसिव न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन, यानी मियोसिस में दो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, दो सेल डिवीजन होता है, सिंगल डीएनए रेप्लिकेशन होता है. एज अ रिजल्ट एट द एंड ऑफ मियोसिस, जिसकी वजह से एट द एंड क्या होता है, फोर हैप्लोइड सेल्स फॉर्म्ड होती हैं. सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है जनरेशन टू जनरेशन. इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ
सो दैट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन री स्टोर द ओरिजिनल नंबर इन द जाइगोट. जाइगोट एक ह्यूमन सेल में एन क्या है, 2n है. ठीक है, जब एक न्यू ह्यूमन बनना है तो उसमें 2n होना चाहिए, यानी मेल से एन आएगा, फीमेल से एन आएगा, तभी तो जाइगोट में जाकर के 2n होगा. इसीलिए मियोसिस क्या करता है, 2n को n बना देता है, हाफ कर देता है. वेरिएशंस आर कॉज्ड बाय द क्रॉस ओवर. क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, वेरिएशंस बनती हैं. द रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम बिटवीन डॉटर सेल्स, वेरिएशंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन. थर्ड सिग्निफिकेंस, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस आर ब्रॉट अबाउट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टन एबनॉर्मलिटीज. दीज क्रोमोसोमल म्यूटेशंस मे बी एडवेंटेजियस फॉर एन इंडिविजुअल. क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस विद योर टीचर अबाउट हैप्लॉइड इंसेक्ट एंड लोअर प्लांट्स वेयर सेल डिवीजन अकर्स. हमें ये बताना है कि हैप्लॉइड सेल और यानी हैप्लॉइड इंसेक्ट हुआ या लोअर प्लांट हुआ, तो वहाँ पे सेल डिवीजन कैसे हो रही है. हमने देखा कि माइटोसिस मियोसिस दोनों में ही मदर सेल के पास क्या था, 2n था, यानी दोनों ही सेल डिप्लॉइड थी. अब यहाँ तो ये हैप्लॉइड है, तो इसमें सेल डिवीजन कैसे होगा. सो इन सम इंसेक्ट एंड लोअर प्लांट्स फर्टिलाइजेशन इज इमीजिएटली, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तुरंत ही कौन से स्टेज हो जाएगा, जाइगोटिक मियोसिस विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जो क्या बनाएगी, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. दिस टाइप ऑफ साइकिल इज नोन एज हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. यानी जो जाइगोटिक मियोसिस होगा ना, उसकी वजह से क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. सेकेंड, सम हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट्स वेयर सेल डिवीजन डज नॉट अकर. हमें ये बताना है कि हायर प्लांट्स में कहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होती है. तो एक कंडीशन होती है पॉलीप्लॉइडी कंडीशन. ये एक स्टेज होती है जहाँ पे मल्टीपल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस स्टेज पर सेल डिवीजन नहीं होती. क्वेश्चन नंबर 14, कैन देयर बी अ माइटोसिस विदाउट रेप्लिकेशन इन एस फेस. क्या माइटोसिस हो सकता है एस फेस में रेप्लिकेशन नहीं हो उसके बाद भी. तो आंसर है नो. माइटोसिस सेल डिवीजन कैन नॉट बी टेक्स प्लेस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेस. जब तक एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, माइटोसिस नहीं होगा. टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एस फेस. एस फेस में जो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो क्या होता है, पहला डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, जिसे हम रेप्लिकेशन भी कहते हैं, दूसरा डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल. ठीक है, एस फेस क्या है, इंटरफेस का फेस है, और इंटरफेस में ही दो सेंट्रियोल्स बन जाते हैं. यही सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करते हैं. यही सेंट्रियोल्स दो अपोजिट पोल पे जाकर के क्रोमोसोम या क्रोमेटिड्स को अपनी तरफ पुल करते हैं. डीएनए डुप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट एज इट मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स. ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए. माइटोसिस इज एन इक्वेशनल डिवीजन, देयरफॉर द डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप. क्वेश्चन नंबर 15, ऊपर ये पूछा गया था कि जब तक एस फेस में ऊपर वाले क्वेश्चन में ये पूछा था, अगर एस फेस में डीएनए रेप्लिकेशन ना हो तो क्या माइटोसिस हो सकता है, तो आंसर था नो. अब ये पूछा गया है, कैन देयर बी अ डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन. क्या सेल डिवीजन नहीं हो उसके बाद भी डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, तो आंसर है यस. देयर कैन बी अ डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन हो या ना हो डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है. ड्यूरिंग सेल डिवीजन द पेरेंट सेल गेट्स डिवाइडेड इंटू टू डॉटर सेल्स. ठीक है, सेल डिवीजन में तो क्या होता है, पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल्स में, और जो डीएनए होता है वो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इफ देयर इज अ रिपीटेड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विदाउट एनी सेल डिवीजन. अगर बिना सेल डिवीजन के बार बार रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा डीएनए सेल में इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल का जो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में तो प्रेजेंट होता है. अब न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल एक्सपेंशन. क्वेश्चन नंबर 16, एनालाइज द इवेंट्स ड्यूरिंग एवरी स्टेज ऑफ द सेल साइकिल एंड नोटिस हाउ द फॉलोइंग टू पैरामीटर्स चेंजेस. हमें ये बताना है
कि माइटोसिस और मियोसिस में ये जो दो पैरामीटर्स हैं वो कैसे चेंजेस होते हैं, पहला नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल और दूसरा क्या है अमाउंट ऑफ डीएनए। तो पहले हम बोलते हैं कि मियोसिस, ड्यूरिंग मियोसिस क्या हो रहा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल चेंज, दोनों ही चेंज होते हैं मियोसिस में। कैसे चेंज होते हैं, सपोज ये पेरेंट सेल है, उसके पास 2n क्रोमोसोम है और 2 से डीएनए कंटेंट है, जो डॉटर 4 डॉटर सेल बनेगा मियोसिस में, इनके पास क्या होगा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग c नंबर ऑफ डीएनए, दिस इज द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड दिस शो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों ही हाफ हो जाएंगे। सो पहली जो पहला है क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन पर सेल, ठीक है, ड्यूरिंग एनाफेज वन ऑफ मियोसिस, एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं एंड स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल, और वो अपने रिस्पेक्टिव पोल में चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट बाइवेलेंट गेट डिवाइडेड इंटू टू सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स, बाइवेलेंट क्या था, जब दो साइनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में अटैच्ड थे वो बाइवेलेंट कंडीशन थी, अब वो किस में डिवाइड हो गए, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स में, एंड रिसीव हाफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, देयर फॉर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस्ड इन एनाफेज वन। अब नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट सी पर सेल ड्यूरिंग एनाफेज टू, एनाफेज टू में क्या हो रहा है, द क्रोमेटिड्स सेपरेट, वहां पे क्या था होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे, लेकिन यहां पे क्या सेपरेट हो रहा है, क्रोमेटिड, कैसे, सेंट्रोमेयर स्प्लिटिंग की वजह से, सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो गया, क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए, सेंट्रोमेयर होल्ड्स द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर का क्या काम होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखना, एज अ रिजल्ट द क्रोमेटिड्स मूव टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल, अब सेंट्रोमेयर स्प्लिट हो चुका है जिसकी वजह से जो क्रोमेटिड्स थे वो अपने अपने पोल पर मूव कर गए, देयर फोर एट ईच पोल अ हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अ हैप्लोइड अमाउंट ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट, यानी ईच पोल पर क्रोमोसोम नंबर भी हैप्लोइड हो गए और डीएनए भी हैप्लोइड, यानी दोनों हाफ हाफ हैं। ड्यूरिंग द माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, डीएनए रेप्लिकेट होता है एस फेस में, लेकिन वो क्या करते हैं, जितने भी डीएनए रेप्लिकेट होते हैं यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अमाउंट जो बढ़ता है वो एनाफेस में क्या होता है, जाकर के टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, एज अ रिजल्ट द डीएनए कंटेंसी ऑफ द टू न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स रिमेन्स द सेम। दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।